इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी या लैपटॉप के बारे में। तो आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन उसमें जो टास्क बार पट्टी होता है, तो इस पट्टी में जो लैंग्वेज बार शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जैसे आप हमारा इस तरह नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले पीसी या लैपटॉप ओपन कर देना है, और ओपन करने के बाद अभी देख लीजिए कि जो हमारा पीसी में टास्क बार पट्टी है, तो उसमें जो लैंग्वेज बार शो नहीं हो रहा है, तो वही प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो आपके पास इस तरह जो टास्क बार पट्टी में लैंग्वेज बार शो नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कंट्रोल पैनल में। तो चलिए मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें आपको लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं उसमें लैंग्वेज पे क्लिक करता हूँ, और आपको कीबोर्ड एंड लैंग्वेज पे क्लिक करके आपको चेंज कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है, और चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको लैंग्वेज बार पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि उसमें जो ऑप्शन है जो हिडन है, तो वही आपको ऑफ करना है, और आपको टास्क बार पट्टी जो लिख रहा है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने टास्क बार पे क्लिक कर दिया, और जो मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि हमारे जो टास्क बार पट्टी में जो लैंग्वेज बार है वही हमारा शो हो गए। तो आपके पास इस तरह जो पीसी या लैपटॉप में जो टास्क बार पट्टी है, तो इस पट्टी में जो लैंग्वेज बार शो नहीं हो रहा है, तो वही आपको प्रॉब्लम है, वही आपको वन क्लिक में प्रॉब्लम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से जो लैंग्वेज बार है वही हमारा पीसी में शो हो रहा है, तो आपको इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।